हाँ तो दोस्तों, आप मेरे कैमरा के सामने में देखिएगा एक ये हरा भरा खेत। अभी ये अप्रैल का महीना चल रहा है तो धान खेत जो एक सीजनल क्रॉप है वो तो समय अभी नहीं है, फिर भी देखिएगा आप कैमरा में ये धान हो रहा है। ये एरिया हुआ असम के विश्वनाथ चराली एरिया। तो ये इस एरिया में हम लोग इस बार ये जो खेत धान का ऑप्शनल जो ये ब्रीड हुआ ये क्रॉप हुआ हम लोगों ने इस बार ये लगाया। तो इसमें आप लोग तो सब जानते हैं कि धान का खेत में पानी का ज़रूरत होता है, बिना पानी से तो धान का खेत होता नहीं है। तो इसलिए हम लोग अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ किया। तो अंडरग्राउंड वाटर लेके ये खेती होता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई जल सिंचन का कोई सुविधा कर दिया हो तो अलग बात है। तो हम लोगों ने अपने तरफ से एक उपाय किया, अंडरग्राउंड वाटर लेके ये खेती को हम लोगों ने लगाया। तो अभी ये टाइम हो गया या ब्रीडिंग टाइम आराम हो गया है। बीस बीस में आप लोग कैमरा में अगर गौर करें तो देखिएगा कि बीज निकल के आया है। तो ये 10-15 रोज़ में पूरा का पूरा जो है बीज निकल के आएगा। तो ये खेती हुआ बड़ो खेत के नाम से ये खेत को आदमी लोग जानता है। तो बड़ो जो खेत हुआ ये एक ऑप्शनल खेती हुआ धान का, क्योंकि अभी तो ये जो सीजनल जो ये जो खरीफ जो क्रॉप होता है वो तो सीजन अभी नहीं है, फिर भी आप लोग देखिए कितना हरा भरा हुआ है। तो ये दूर तक आप लोग देखिएगा कि कितना हरा भरा ये खेत हो रहा है। तो ये खेत को हम लोगों ने बड़ो खेत के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर अभी देखिए ना, यहाँ में कोई दूसरा और खेती आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ हम लोग का ही ये खेत है। इसलिए अलग से इसमें वो जो बेड़ा लगाया ताकि गाय वगैरह आके ये खेत को नष्ट ना करे। तो बाकी जो खेत है ऐसे ही पड़ा है, असम में ऐसा ही होता है। एक सीजन में वो जो सीजनल जो खरीफ क्रॉप जो होता है वो किया जाता है, लेकिन ये बाकी जो समय वो ऐसे ही ज़मीन जो है पड़ा रहता है। तो हम लोगों ने इस बार सोचा कि बड़ों का खेत करो। तो हम लोगों ने परीक्षा के तौर पर ये जो खेत लगाया, शायद ये खेत को देख के कोई दूसरा भी आके अगले साल में ये खेती कर भी सकता है। तो जो भी हो, आप देखिए कैमरा में कितना हरा भरा ये जो खेत हुआ है, इसका जो अभी बीज है बीज निकल के आया है। बीस बीस में आप कैमरा में शायद आप लोग देख पाएंगे, बीस बीस में इसका वो बीज निकल के आया है।